राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। कहां क्यों नहीं हरियाणा से या जहां से भी शराब की इंडस्ट्रीज है, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो होलसेलर हैं, जिस बैच की शराब जिस कंपनी से आ रही हो, जो भी उसका खरीदार है, वो तो बकायदे लिखा हुआ है। और जिस दिन वहाँ जाने लगोगे, असली मुजरिम पकड़ आ जाएंगे, लेकिन असली मुजरिम पकड़ने में स्वयं आप पकड़ में आ जाओगे। 20,000 की जो आपकी वसूली है बंद हो जाएगी। आप दुल्हनों तक तो जा रहे हो, महिलाओं तक जा रहे हो, बारात में चले जा रहे हो, जो शराब पी के नाचने वाले हैं उनको पकड़ो, अच्छा लगेगा। लेकिन घूंघट में बैठी हुई भारत की हमारी वो महिलाएं जो दुल्हन बनकर एक नए जीवन में प्रवेश करना चाहती है, उस पवित्र जगह पे चले जा रहे हो जहाँ की घर वाले भी नहीं जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अनर्थ मत करिए, ईमानदारी से। राजद ने बराबर जो सुझाव दिया है, तेजस्वी जी बराबर आपको सुझाव दे रहे हैं, लेकिन सुझाव पर आप क्या कह रहे हैं? यदि आप शराबबंदी के खिलाफ हो तो चलो घोषणा पत्र में शामिल कर लो। मैं बताऊं, मिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी नहीं, सुशील मोदी और उनके नेता नीतीश कुमार जी से, हमारे संविधान में है कि कोई शराब पीने वाला हमारा सदस्य नहीं बन सकता। और मैं वादा करता हूं सार्वजनिक रूप से, जिस दिन कोई बड़ा से बड़ा पदाधिकारी शराब पीते हमारा पकड़ा जाएगा, मैं तत्काल उनको दल से निष्कासित और बर्खास्त कर दूंगा। हम लोग इसके सख्त विरोधी हैं। हम गांधी को मानने वाले हैं, हम गोडसे वाले लोग नहीं हैं, हम धार्मिक उन्मादी नहीं हैं, हम पैसे कमाने के लिए समाज में विकृति पैदा करने वाले नहीं हैं। हम जरूर चाहते हैं कि सामाजिक न्याय हो, हम चाहते हैं कि उनके साथ आर्थिक न्याय हो, लेकिन जो हमारे सही पेशा है, जो सही तरीका है, उनके लिए हम बेरोजगारों को नौकरी मांगते हैं, हम नौकरी देने का वादा करते हैं, और तुम शराब पिला करके व्यापारियों को, शराब पिलाने वालों को बल पर धन उगा करके आप बूथ लूटते हो, वोट खरीदते हो, इसी पर तुम्हारा राज चल रहा है। इसलिए मैं आज कह रहा हूँ सार्वजनिक रूप से कि शराबबंदी एक मजाक है नीतीश कुमार और सुशील मोदी का। इस मजाक को बंद करिए, ईमानदारी से जहाँ से विकृति पैदा हो रही है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, चाहे हरियाणा का हो, पंजाब का हो, जहाँ का भी हो,